वेलकम फ्रेंड्स, एआरजी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको एसएमएस बेस्ड पोल मॉनिटरिंग सिस्टम की हिंदी में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तफसील से आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन साथ ही आपको यह बताने वाला हूं कि मैंने आपको जो जानकारी के लिए यहां से जो मटेरियल डाउनलोड किया है, ये लेटेस्ट ट्रेनिंग मटेरियल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया है, लेकिन विभिन्न समयों में कुछ फॉर्मेट में बदलाव भी हो जाते हैं, साथ ही एसएमएस भेजने के नंबर भी बदल जाते हैं कई बार। इसलिए आपको उस समय पे जो भी ताज़ा निर्देश प्राप्त होते हैं उन्हीं की आप पालना करें। यह वीडियो मात्र आपकी सहायता के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि या विरोधाभास हो तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेटेस्ट दिशा निर्देश हैं, उन्हीं की आपको पालना करनी है। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताऊंगा मैं कि आपको इस वीडियो में क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि पोल से पहले के कौन कौन से एसएमएस फॉर्मेट होते हैं, पोल के दरमियान आपको कौन कौन से एसएमएस फॉर्मेट करने होते हैं, और पोल में यदि कोई समस्या आ जाए तो वह किस किस तरह की समस्या में क्या क्या फॉर्मेट आपको एसएमएस फॉर्मेट भेजने होते हैं, पोल पूरा हो जाए तो आपको क्या एसएमएस फॉर्मेट करने होते हैं, सभी एसएमएस फॉर्मेट की आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। साथ ही जिस नंबर पे एसएमएस भेजा जाता है उसकी भी विस्तार से जानकारी दूंगा। अगर आपको कोई समस्या आती है तो कौन सी समस्या में किस तरह का एसएमएस जाता है, इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दूंगा कि अगर आपके एसएमएस भेजने में कोई समस्या आ जाए तो आपको क्या उसका सोल्यूशन करना है। और इसके साथ ही पिछली बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव के अंदर जो एसएमएस फॉर्मेट लिया गया था काम में, उसमें और इसके अंदर कुछ हल्का सा चेंजेज कहीं कहीं पर है, वो भी आपको साथ ही बताता चलूँगा कि किस समय कहाँ पे कौन सा चेंजेज हुआ है। तो ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वैसे तो मैंने अब तक इलेक्शन ट्रेनिंग के अंदर 29 लगभग 26 वीडियो सॉरी 26 वीडियो मैंने बना दिए हैं, और ये जो बना रहा हूँ ये 27वां वीडियो है। आपने ये वीडियो मेरे देखे भी होंगे जहाँ आपको प्रत्येक बिंदु के ऊपर विस्तार से आपको समझाया गया है, टेस्ट वोट चैलेंज वोट जो भी है यहाँ पर आपको विस्तार से समझाया भी गया है। अब आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो अगर आपको देखने भी हो तो आपको यहाँ पे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, सीधे यूट्यूब में भी कर सकते हैं, और साथ ही हमारी एक प्लेलिस्ट है इलेक्शन ट्रेनिंग 2019, ये भी आप देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन भी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, सॉरी वीडियो के नीचे आपको इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको बताऊँगा जो भी इलेक्शन से संबंधित मटेरियल हमारे पास होता है वह हम इस एआरजी गुरु एप्लीकेशन के अंदर सेव कर देते हैं ताकि आप इनका उपयोग कर सकें। तो अगर आपको इलेक्शन से संबंधित जो भी फॉर्मेट हमारे एप्लीकेशन में है वो आपको चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे टीचर जोन होता है, टीचर जोन के अंदर आपको बीएलओ एंड इलेक्शन नाम से कैटेगरी मिलती है जहाँ पर आपको ये सारी ये जो जितने भी हमारे फॉर्मेट वगैरह ये आपको मिल जाते हैं। और अगर आप हमारी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो प्लीज़ हमें 5 स्टार देकर हमारी जो हौसला अफजाई ज़रूर करें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक महोदय ने कहा है कि लोकसभा इलेक्शन 2019 शुरू हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक पोर्टल शुरू करना चाहिए। हमने इनको बताया भी था रिप्लाई के अंदर, हमने बीएलओ एंड इलेक्शन नाम से कैटेगरी तैयार कर रखी है जहाँ पे आपको विभिन्न पीडीएफ वगैरह मिलती है। खैर, आपका बिना ज़्यादा समय खराब के चलते हैं वीडियो की तरफ। पोल से पहले यानी प्री पोल आपको 2 SMS करने होते हैं, एक तो सेफ अराइवल ऑफ पोलिंग पार्टी एट पोलिंग स्टेशन SAP का, कि हमारी जो पोलिंग पार्टी है ये सेफ तरीके से वहाँ पे पहुँच चुकी है। दूसरा होता है मॉक पोल कंडक्टेड, यानी मॉक पोल जो है ये कंडक्ट हो चुका है। ड्यूरिंग पोल यानी आपको पोल के समय SMS करने होते हैं। पहला होता है पोल स्टार्टेड का, कि आपका पोल स्टार्ट हो गया है। 9 बजे की आपको रिपोर्ट भेजनी होती है, सुबह 9 बजे की, 11 बजे की, दोपहर 1 बजे की आपको रिपोर्ट भेजनी होती है, 3 बजे की रिपोर्ट, 5 बजे की रिपोर्ट, और अगर 5 बजे के बाद वोटर अगर क्यू में हो तो उनसे संबंधित आपको रिपोर्ट भेजनी होती है। ड्यूरिंग पोल अगर आपको कुछ समस्याएं आती हैं तो उनके भी SMS आपको करने होते हैं, जैसे कि पोल बाधित हो जाता है, इंटरप्टेड हो जाता है, EVM नॉट फंक्शनल, मतलब EVM काम नहीं कर रही हो, तब आपको क्या SMS फॉर्मेट करना होता है। अगर आपका पोल बाधित होता हो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से तो भी आपको SMS करना होता है। अगर आपका पोल बाधित होता हो किसी अदर प्रॉब्लम से तब भी आपको SMS करना होता है, और अगर वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो भी आपको SMS करना होता है कि प्रॉब्लम रिसॉल्व। आफ्टर पोल यानी पोल के बाद में आपको 2 SMS जरूरी है, एक तो फाइनल वोटर टर्नआउट मतलब अंतिम मतदाता निकल चुका है, और सेफ अराइवल एट पोलिंग पार्टी एट रिकॉर्ड रूम, मतलब जो पोलिंग पार्टी है ये सेफ तरीके से रिकॉर्ड रूम पहुंच चुकी है। देखिए यहाँ पे कीवर्ड जो है ये काम में लिया जाता है पोल,
ये सभी एसएमएस फॉर्मेट जो हैं उनके शुरुआत में लगेगा और ये लगाना जरूरी है। ये इलेक्शन कमीशन जो उसकी तरफ से तैयार किया गया है, तो आपको पोल लगाकर ही एसएमएस करना है। पोल लगाने के बाद स्पेस, उसके बाद में जो भी आपको एसएमएस करना होता है, ये कीवर्ड है जो कि आपको काम में लेना ही है। अब आपको ज़रूरी होता है एक एसएमएस भेजने के नंबर जिनके ऊपर आप एसएमएस भेज सकें। ये वर्चुअल नंबर हैं जो कि संपूर्ण भारत से मैसेज प्राप्त करने के लिए एनआईसी से परचेज किए गए हैं, और यही ये जो नंबर है इसके ऊपर आपको एसएमएस भेजना होता है। लेकिन पिछली बार जो राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय पे इस नंबर के ऊपर एसएमएस भेजे गए थे, 9680999899। तो ये चेंज भी हो सकते हैं, ये आपको उस समय पे ताज़ा दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उनका पालन करना है, वहाँ पे आपको प्राप्त करना है ये नंबर। वर्तमान में जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर यही नंबर बताए हुए हैं। खैर अब चलते हैं जो एसएमएस भेजे जाते हैं उनकी तरफ। तो ये तो कुछ आर और एआरओ के लिए है। मैं आपको बताऊंगा मोस्टली जो पीठासीन अधिकारी हैं, यानी पीआरओ प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं या फिर पीओ बोल सकते हैं, उनके लिए जो एसएमएस फॉर्मेट है उनके बारे में ज़्यादा विस्तार से बात करने वाला हूँ, क्योंकि अधिकारीगण जो होते हैं वो पहले से उनको ट्रेनिंग मिल जाती है और वो वैसे कम चांस के अंदर गलती होती है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में ये वो ऑफिसर होते हैं जो वास्तव में पोल को कंडक्ट करवाते हैं, वहाँ पे जो पोलिंग के टाइम पे, या फिर मैं ये बोलूँ कि संपूर्ण भारत के अंदर निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो इन्हीं की आंखों के सामने होती है। तो उनको क्या क्या करना होता है वो इसमें बताने वाला हूँ मैं, कि जो पीओ महोदय या पीआरओ महोदय, उनको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है अपने नंबर को पोलिंग से 2 दिन या 1 दिन पहले। और ये उनके जो तरीका है रजिस्टर करने का, उनको लिखना होता है POLL पोल, उसके बाद में एक स्पेस देना होता है, स्पेस के बाद में स्टेट कोड जो भी होता है, जैसे S05 यहाँ पे लिखा गया है, कई बार शॉर्ट कोड भी होता है जैसे कि राजस्थान का RJ होता है, उस तरीके से भी आपको काम में लेने के लिए बोला जाता है। उसके बाद में स्पेस डिस्ट्रिक्ट नंबर, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट नंबर होते हैं, उसके बाद में SC नंबर यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, PS नंबर, APS नंबर यानी पोलिंग स्टेशन नंबर, उसके बाद में PO लिखना है, और उसके बाद में 3 डिजिट एक्सेस कोड जो आपके होते हैं वो लिखना है। यहाँ पे ये फॉर्मेट भी बताया गया है, साथ ही मैंने आपको बताया था कि तुलनात्मक भी बताता चलूँगा मैं। तो राजस्थान के पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर ये उसकी उसी की ये PDF है। तो उसमें जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको पंजीकरण के लिए बताया था POLL RJ, यहाँ पोल RJ यहाँ पे एक साथ ही लिया गया था काम में, स्पेस उसके बाद में AC नंबर यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, स्पेस देके PS नंबर यानी पोलिंग स्टेशन नंबर, और वेरिफिकेशन कोड जो उनको दिए गए थे, ये आप देख सकते हैं POLL RJ स्पेस, उसके बाद में सीधा AC नंबर लगाया, उसके बाद में सीधा PS नंबर लगाया, और यहाँ पे उनके 3 डिजिट कोड, इस तरीके से ये काम में लिया गया था। तो वैसे तो आपको साथ में जो पुस्तिका दी होती है उसके अंदर संपूर्ण जानकारी होती है, साथ में पूरी एक SMS फॉर्मेट जो होते हैं उनके, आपको एक साथ में फोटोकॉपी भी आपको देते हैं वहाँ पे। तो उसके अंदर अगर इसमें किसी तरह का चेंजेस होता है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले बात करें अपन, तो ये पहला इवेंट है SAP का, सेफ अराइवल ऑफ पोलिंग पार्टी एट पोलिंग स्टेशन। ये पहला इवेंट है जब ये पोलिंग शुरू होने से 1 दिन पहले सामान्यता होता है, या फिर आप कहीं दूरी ज़्यादा हो तो 2 दिन पहले हो सकता है, लेकिन ये इलेक्शन यानी पोलिंग से जस्ट 1 दिन पहले का होता है, जिसमें आपको जैसे आप पोलिंग स्टेशन पे पहुंचते हैं, टाइम ऑफ इवेंट जैसे आप पहुंचते हैं उसको आपको तुरंत ये SMS करना है। ये इसके अंदर आपको करना होता है POLL स्पेस देके SAP, SAP का अर्थ सेफली अराइव एट पोलिंग स्टेशन। और थोड़ी फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है कि पोलिंग पार्टी सेफली अराइव एट पोलिंग स्टेशन। दूसरा इवेंट होता है, ये भी पोल से पहले का होता है, बिफोर पोल होता है, जिसके अंदर मॉक पोल एंड अटेंडेंस ऑफ पोलिंग एजेंट जो होते हैं उनके बारे में होता है। ये पोलिंग के दिन ही होता है, PD लिखा हुआ यानी पोलिंग के दिन ही होता है। ये आपको उस समय पे करना होता है जब मॉक पोल हो जाता है, और बिफोर पोल कम्युनिकेशन फ्रॉम पोल, यानी कि आपका मॉक पोल है ये पूरा हो चुका है, साथ ही आपके पोलिंग एजेंट है वो कितने हैं। ये देखिए आप SMS का प्रारूप देखिए, पोल स्पेस MP स्पेस 04। ये MP ये नहीं है कि आप सोचें कि MP जैसे कोई मध्य प्रदेश के लिए, बल्कि MP मॉक पोल के लिए है। स्पेस पोल स्पेस देना है, MP मतलब मॉक पोल पूरा हो चुका है, स्पेस देके
कितने वहाँ पे पोलिंग एजेंट थे मॉक पोल के, इसमें जैसे 4 जने थे तो आपको यहाँ 4 लिखना है, 2 होते हैं तो 2 लिखना है, 10 होते हैं तो 10 लिखना है, जो भी है, या आपको इस तरीके से SMS करना होता है। और उसके बाद में आपका जो पोल है ये स्टार्ट हो जाता है, पोल स्टार्ट होता है तो आपको पोल स्टार्टेड का जो इवेंट है उसका SMS करना होता है, पोलिंग के दिन ही करना होता है। यहाँ पे ये टाइम दिया गया है 7:15 AM का, लेकिन हो सकता है कि ये बदल भी जाए। देखिए ये जो कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, तो ये आपको अपने कॉमन सेंस को काम में लेके आपको करना है। जो भी है यहाँ पे 7:15 बजे का बताया, लेकिन जो भी आपका समय होता है उसके ऊपर आपको जब पोल स्टार्ट होता है उस पर आपको पोल स्पेस PS लिखना है, यानी पोल स्टार्टेड, PS का मतलब पोल स्टार्टेड। उसके बाद में हर 2 घंटे की जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर आपको मैसेज करना होता है, जिसके अंदर अगर आप 9 बजे की, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल 9 बजे का आप मैसेज कर रहे हैं, तो पोल स्पेस 9 AM स्पेस मेल फीमेल और अदर, इनके बीच में कोमा लगाने हैं। जैसे कि पोल स्पेस 9 AM के ऊपर आपकी 111 तो मेल हैं, यहाँ पे स्पेस लगाइए, 111 मेल कोमा 98 फीमेल और 2 अदर, इस तरीके से आपको SMS करना होता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राजस्थान की विधानसभा की जो साथ में मैं आपको तुलनात्मक बता रहा हूँ, तो इसके अंदर यहाँ पे जो काम में लिया गया था वो ये फॉर्मेट काम में लिया गया था कि पोल RJ, यानी पोल RJ के बाद में स्पेस और उसके बाद में यहाँ पे 9 लिखा था, और ये 9 लिख के उसके बाद में आपको जो कुल मतदाता हैं जो मतदान कर चुके हैं उनकी संख्या सिर्फ यहाँ पे भेजी गई थी, और जो बताया गया था भेजने के लिए, जैसे कि यहाँ पे पोल RJ 9 ये 9 बजे का है और 148 वोटर्स ने वोट कर दिया। यहाँ पे मेल फीमेल अदर के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको जो दिशा निर्देश जारी हुए थे उसके अंदर आपको मेल फीमेल और अदर का आपको अलग अलग भेजना है, या फिर आपको तीनों का एक साथ भेजना है। उसके बाद में बात करें तो 11 बजे वाले जो SMS होता है सेम इसी तरीके से भेजा जाता है, 9 AM की जगह 11 AM हो जाता है, और अगर 1 PM का होता है उसमें यहाँ पे इसकी जगह 1 PM हो जाता है। SMS फॉर्मेट जो होता है वो आपका वही रहता है आपका। उसके बाद में 3 बजे वाला है, दोपहर 3 बजे वाला 3 PM का, वह आपको इसी तरीके से भेजना होता है। 5 PM का भी इसी तरीके से भेजना होता है। साथ ही आपको बताऊं कि जब आपका पोल आप क्लोज हो जाए, यानी आपका मतदान समाप्त हो जाए, उसके समय में वोटर्स जो क्यू के अंदर लगे हुए होते हैं उनको वोट दिलवाना ज़रूरी होता है। वो कितने वोटर क्यू के अंदर हैं, कितने वोटर हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, उनकी संख्या आपको जैसे ही पोल क्लोज होता है उस समय पे आपको भेजनी होती है। जैसे कि यहाँ पे पोल स्पेस क्यू, क्यू सिर्फ सिंगल क्यू है, जो कि क्यू है जो कतार होती है लाइन होती है उसके लिए काम में लिया गया, स्पेस जितने कैंडिडेट खड़े हैं उनकी संख्या, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। और जब अंतिम मतदाता निकल जाता है वोट देके, तो आपको इवेंट होता है फाइनल वोटर टर्नआउट का, मतलब अंतिम मतदाता निकल चुका है, उस समय पे आपको SMS करना होता है पोल स्पेस VT स्पेस टोटल मेल फीमेल या अदर। और अगर बात करें पिछले विधानसभा यहाँ पे जैसे मैं साथ में तुलना तो बता रहा हूँ आपको, तो उसके अंदर दिया गया था पोल RJ, यहाँ पे आप देख सकते हैं VT, उसके बाद में सीधी वही संख्या जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर मेल फीमेल अदर का अलग अलग नहीं था, सभी का साथ में था, यहाँ पे कंबाइंड था। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको SMS करना है। उसके बाद में अगला जो इवेंट होता है वो सेफ अराइव एट पोलिंग पार्टी एट RC आफ्टर एंड ऑफ पोल, ये पोलिंग के दिन ही आपको करना होता है। जब आप कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं उस समय आपको तुरंत ये SMS करना होता है। इसका फॉर्मेट या पोल स्पेस SARC, SARC का मतलब होता है स्टैंड ऑफ स्टैंड्स फॉर सेफ अराइवल ऑफ पोलिंग पार्टी एट RC, मतलब आप जो रिकॉर्ड रूम है कंट्रोल रूम है वहाँ पे आप सेफ तरीके से पहुँच चुके हैं। उसके बाद में आता है कुछ वो SMS जो आपका चुनाव है ये बाधित हो जाता है, यानी कि आपका जो पोल है ये किसी भी तरीके से इंटरप्टेड हो जाता है, तो आपको क्या SMS करना होता है। पहला है कि इवेंट, पहले इवेंट की बात करें कि पोल इंटरप्टेड ड्यू टू EVM नॉन फंक्शनिंग एप्रीहेंशन ऑफ सच प्रॉब्लम, यानी आपकी जो EVM है ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, तब आपका पोल अगर बाधित होता है तो आपको तुरंत ये SMS करना होता है, जिसका ये है कि पोल लिखना है स्पेस लगाना है उसके बाद PROB, PROB ये प्रॉब्लम है PROB, और उसके बाद में EVM, क्या प्रॉब्लम आई आपके EVM की प्रॉब्लम आई, तो इस तरीके से आपको SMS करना होता है पोल स्पेस PROB स्पेस EVM। साथ ही अगर आपका पोल बाधित होता हो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की वजह से, तो आपको वहाँ पे SMS करना होता है पोल स्पेस PROB स्पेस LW,
या LW लॉ एंड अदर प्रॉब्लम जो है उनके लिए है। तो अगर लॉ या ऑर्डर प्रॉब्लम होती है तो आपको ये SMS करना होता है। अगली प्रॉब्लम की बात करें तो ये अदर प्रॉब्लम जो भी है, कोई आपको जो भी समस्या आती है तो उसमें आपको आप ये SMS करना होता है, पोल स्पेस PROB स्पेस लगा के OTH, OTH यानी अदर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन आपको होने वाली कोई भी XYZ प्रॉब्लम जो है, अगर वो रिसोल्व हो जाए, अगर वो समाधान हो जाए, तो आपको वहाँ पे SMS करना होता है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वह सोल्व हो गई है। तो यहाँ पे पोल स्पेस लिख के PRES, PRES मतलब P से प्रॉब्लम और RES से रिसोल्व हो गई है, कि आपकी प्रॉब्लम है ये रिसोल्व हो गई है, आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। अगर PO महोदय यानी जो पोलिंग ऑफिसर हैं वह किसी भी कारण से SMS भेजने में असक्षम हो, तो वहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर RO महोदय या फिर ARO महोदय हैं या सेक्टर ऑफिसर जो है वो उनके SMS भेज सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो SMS हैं तभी भेजे जाएंगे जब PO महोदय के SMS भेजने में किसी तरह की समस्या हो। हालांकि डिटेल इसमें और भी काफ़ी जानकारी है, लेकिन वीडियो की साइज़ जो है ये बहुत ज़्यादा होती जा रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन वीडियो पूरा करने से पहले यानी बंद करने से पहले आपसे ये विनती ज़रूर करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपको किसी तरह की समस्या आती है या फिर आपको कुछ पूछना भी हो तो नीचे की तरफ आपको कमेंट बॉक्स मिलता है, वहाँ पर आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी उपयोगी है तो आप इस जानकारी को शेयर भी कर सकते हैं अपने साथियों के साथ। तो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे इलेक्शन से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।